आज हम बात करेंगे चार्ट्स। हम डैशबोर्ड में पढ़ते पढ़ते फॉर्मेटिंग फॉर्मूले और तीसरा सेगमेंट आ गया चार्ट में। ओके देखिए, डैशबोर्ड में चार चीज चाहिए होता है। पहला चाहिए होता है फॉर्मेटिंग, दूसरा चाहिए होता है फॉर्मूला, और तीसरा चाहिए होता है आपका चार्ट्स, और चौथा वीवीएफ। तो तीसरे सेगमेंट में हम आ चुके हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ चार्ट्स की। सबसे पहले हम चार्ट्स को थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं, फिर हम एडवांस लेके चलेंगे। जैसे चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, डैशबोर्ड में इतना चार्ट लगाया क्यों जाता है। कुछ लोगों का तो मानना है कि डैशबोर्ड बना दो, चार्ट लगा दो, डैशबोर्ड बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ट का एक मीनिंग है जिसके लिए यूज करते हैं, और उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब देखिए आपको यहां इजीली समझ में आ रहा है कि कौन सा सबसे हाईएस्ट सेल है। आप बता रहे हैं कि मार्च इज द हाईएस्ट और मई द लोएस्ट, राइट। मार्च सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लोएस्ट है, आपको इजीली पता चल रहा। लेकिन अगर इसी नंबर को अगर हम मिलियंस बिलियंस में कर दें, तो मुझे लगता है कि आप बिना कैलकुलेटर या बिना दिमाग लगाए कर पाइए। क्या सर, ऐसे ही बोल रहा हूं ना। अब इसको जो है आप बता पाना मुश्किल है कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है, बीच का कौन है। तो इस तरह से हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते, कंपेयरिंग नहीं कर सकते, राइट। जब इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आते हैं, और यहां हम यहां से चार्ट को लगाते हैं। चार्ट लग गई। अब देखिए, अब यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि अगस्त इज द हाईएस्ट सेल एंड फेब इज द लोएस्ट सेल। हम यहां भी ये भी कंपेयर कर पा रहे हैं कि जैन फेब मार्च तो सिमिलर सेल है, उसी तरह से अप्रैल मई जून जुलाई भी सिमिलर है, उसी के आसपास है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन अगस्त सबसे हाईएस्ट चला गया। तो इस तरह से हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब चार्ट, कोई भी चार्ट, अब देखिए यहां इंसर्ट के अंदर आए तो आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको यहां मिलता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में 2D, 3D बार एंड 3D बार, ये चार कैटेगरीज हैं। उसके बाद लाइन चार्ट में आते हैं, तो लाइन चार्ट, नॉर्मल चार्ट, विथ मार्क चार्ट, थ्री लाइन चार्ट, एरिया लाइन चार्ट, 3D एरिया लाइन चार्ट आपको मिलता है। उसके साथ इसी तरह से आपको पाई चार्ट्स मिलते हैं, डोनट चार्ट्स मिलते हैं, ट्री मैप चार्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है, स्टार बर्ड चार्ट दिख जाता है यहाँ पे। देन इसी तरह से आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। देन आप स्कैटर चार्ट भी ले सकते हैं, स्कैटर स्कैटर विथ लाइन चार्ट। देन इसमें आपको मिलता है वाटरफॉल चार्ट, फ्यूनल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रिडार चार्ट। ये सारे चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, ये आता है कॉम्बो चार्ट दो चार्ट के साथ में। देन मैप पे कर सकते हैं आप, और 3D मैप चार्ट भी आपको मिलता है। ओके, ये सारे चार्ट्स हैं। हर चार्ट्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो यहां जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो दो तीन चीजें होती है। जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, एक डिजाइन, दूसरा फॉर्मेट। डिजाइन एंड फॉर्मेट, ठीक है। तो डिजाइन्स के अंदर में चार्ट के डिजाइन होते हैं, उसके अलावा आप जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी ऑप्शंस होते हैं। जब प्लस का निशान दिखता है इसको बोलते हैं इलेमेंट, क्या बोलते हैं इलेमेंट। अब इस इलेमेंट इस पे क्लिक करेंगे तो आप चार्ट में जो चीज कुछ ऐड कर सकते, चार्ट की जो टाइटल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं,
कौन सा टाइटल, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी चाहिए या वर्टिकल चाहिए, जोन चार एक्सेस एज करना चाहिए, एक्सेस को रखना है या हटाना है, एक्सेस में कौन सा एक्सेस हटाना है वो भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे चार टाइटल को रखना है या हटाना है, चार्ट्स के लेवल्स को रखना है या हटाना है, लेवल्स के अंदर भी यहाँ पे तरीका है, आउटसाइड इनसाइड क्या रखना चाहते हैं वो ही डिसाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पे चार्ट डेटा टेबल है, एरर बार है, क्लियर लाइन है, लेजेंड्स है, ट्रेंड लाइन है, ये सब चीजें यहाँ प्लस से एलिमेंट की मतलब हुआ कि चार्ट के अंदर कुछ रखना और कुछ हटाना, चार्ट के अंदर कुछ रखना और कुछ हटाना। ठीक है, अब यहां पे आती है दूसरा जो ब्रश का निशान है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में चार्ट के बने बनाए डिजाइन्स है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं, प्री डिजाइन प्री फॉर्मेट से। इसको चार्ट डिजाइन में भी जाएंगे तो यहां भी आपको चार्ट स्टाइल्स मिलेगा, यहां पर अपना चार्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। देन आता है फिल्टर। जैसे मान लीजिए कि किसी महीने का चार्ट मुझे नहीं शो करना है तो ये चीज यहां से अनचेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फैब जैन को नहीं शो करना चाहता हूं, तो जैन एंड फैब को अनचेक करके अप्लाई कर दिया तो डेटा रहेगा बट चार्ट में शो नहीं होगा, डेटा रहेगा बट चार्ट में शो नहीं। ओके, अब बारी आती है कि इन चार्ट को आप खुद से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब राइट क्लिक कीजिए और यहां पे चलिए चार्ट एरिया। चार्ट के कई एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है कि चार्ट का चार्ट एरिया, दूसरा है चार्ट का प्लॉट एरिया, तीसरा है आपका सीरीज, चौथा है आपका वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, चार्ट टाइप। इस सब को अलग अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूं, जैसे मुझे अगर चार्ट एरिया पे फॉर्मेटिंग करनी है तो राइट क्लिक करके मैं चार्ट एरिया फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊंगा और यहां से एक तो फिल है एक बॉर्डर है, बॉर्डर आउटलाइन के लिए है, फिल यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि नो फिल कोई अला नहीं तो पीछे के लिए दिख गया, सॉलिड फिल चाहिए तो यहां से सॉलिड कलर चूज कर सकते हो कि भाई आपका क्या फील होना चाहिए, कलर ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए यू कैन डिसाइड हियर, हिल एंड फील दो कलरों का मिक्सअप यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी बाकी चीजें ब्राइटनेस वगैरह यहाँ आप सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आता है पिक्चर्स, अगर कोई पिक्चर्स है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते, कॉपी कर रखे हैं तो क्लिपबोर्ड से ले लीजिए, अगर किसी फाइल से लेना है तो इस पे क्लिक करके वो आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में फॉर्मेट चार्ट एरिया बताता हूं आपको। ठीक है, या फिर अगर पिक्चर्स का नहीं इंसर्ट करना चाहते, टेक्सचर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां से पिक्चर की जगह पे टेक्सचर्स ले सकते हैं, ये रहा टेक्सचर्स, जो टेक्सचर चाहिए वो टेक्सचर चूज कर लीजिए, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं और बाकी वो टाइल्स पिक्चर ऑफसेट वगैरह सेट कर सकते हैं। देन पैटर्न फील, कोई पैटर्न है उसको फील कर सकते हैं या ऑटोमेटिक जो सिस्टम ने डिफाइन किया उसको रहने दीजिए, वो यूज कर सकते हैं। और सेम आप बॉर्डर में भी कर सकते हैं कि बॉर्डर कैसा चाहिए आप। इसके बाद इसका 3D वगैरह आता है, शेडो लगाना, ग्लो करना, जो नॉर्मली हम इस चार्ट में करते हैं वो करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसका साइज एंड प्रॉपर्टीज आता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए प्लॉट एरिया फॉर्मेट करना है तो
प्लॉट एरिया पे गया है, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, समझ में आया, जस्ट राइट क्लिक करना है और फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है सर। और यहां पे देखिए राइट सेम चीज है, जैसे मुझे मान लीजिए सीरीज पे करनी है, इस पे गए राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सीरीज, डेटा सीरीज आ गया। अब डेटा सीरीज जब कीजिएगा तो साइज एंड प्रॉपर्टीज में दो चीज आपको आएगी, क्या आएगी, ओवरलैप एंड गैप। तो गैप अगर कम और ज्यादा करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आपकी जो कॉलम साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ओवरलैप कब यूज होता है, जब दो होता है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। अगर यहाँ पे दो होते ना, अगस्त के अंदर मान लीजिए सेल्स है, सेल्स और टारगेट दोनों होता तो आप दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते। और इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग बिल्कुल सबकी सेम है। जैसे मुझे मान लीजिए एड लिमिट में गए और मैंने यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर दिया, हम जो डेटा लेवल को फॉर्मेट करना है तो इस पे क्लिक कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा लेवल, यहाँ पे डेटा लेवल पे आप आ जाएंगे। इसमें देखिए लेवल ऑप्शंस में क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे कैटेगरी नेम भी चाहिए, उसके अलावा आप मुझे इनसाइड एंड में चाहिए या सेंटर में चाहिए या आउटसाइड एंड चाहिए, तो ये चीजें यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी चार्ट्स लगाइएगा सारे चार्ट्स का सेम फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी, ठीक है। फॉर्मेटिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम, जैसे एक्सिस को लीजिए, यहां पे अगर एक्सिस की फॉर्मेट में देखें तो बाकी फॉर्मेटिंग तो सेम है जो सब में होती है। यहां से वर्टिकल है, एंगल चेंज कर सकते हैं कि आप वर्टिकल जेंटर या तिरछा वगैरह करना है। यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शंस आता है कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे दो के बीच में गैप कितना होना चाहिए, एक्सिस वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे आप, फिक्स मार्क्स लेवल नंबर ऑफ, ये देखिए आपका नंबर काफी बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मिलियंस में आ जाए, तो जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.00 डबल कॉमा और इनवर्टेड कॉमा में एम कर दिया मिलियन, ऐड कीजिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया मिलियंस में, ठीक है। मेरे को डाउट इसमें सर, अब एक चीज पे बात करते हैं कि कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करेंगे, ये डिसाइड कैसे करेंगे। अब इसको डिसाइड करने के लिए क्या होगा, आपको आपका डेटा समझना होगा। जैसे मान लो मुझे कंपेयरिंग कर, अगर एग्जांपल के लिए मुझे अगर कंपेयर करना है दो के बीच में, अगर मुझे कंपेयर करना है तो कैसे करें,
कंपेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, कंपेयर इन द नंबर, मतलब कम और ज्यादा कंपेयर करने के लिए आप कॉलम या बार चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आपको फ्लो देखना है कि अप डाउन कैसे हुआ, मान लीजिए डेली बेसिस से सेल है और सेल्स का फ्लो देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी दिन अचानक नीचे आ गया, किसी दिन अचानक ऊपर चला गया, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं लाइन चार्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन या एरिया लाइन जो भी कर लीजिए उसके लिए। दूसरा आता है कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग, आपको देखना है कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग आपको देखना है, उस केस में इस्तेमाल करते हैं हम कौन सा, अपना पाई चार्ट कर लीजिए, डोनट चार्ट कर लीजिए या स्टारबर्ड चार्ट कर लीजिए जो आता है यहाँ पे, इन सबों का यूज होता है किसपे, शेयरिंग देखने के लिए, कंट्रीब्यूशन शेयरिंग जो भी करना चाहे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम ट्रीमैप चार्ट भी उसी चीज के लिए होता है, जब डेटा काफी बड़ा हो और कई सारे कॉल, क्योंकि आपका कॉलम चार्ट जो है सिर्फ, सॉरी पाई चार्ट जो है सिर्फ एक ही लेजेंड पे काम करता है, बट आपके साथ कई सारे लेजेंड जैसे सेल्स की जगह पे टारगेट हो या मंथ बाई सेल हो, कई सारे फैक्टर्स हो, उस केस में ट्री मैप चार्ट लेते हैं सेलिंग देख। ओके, हिस्टोग्राम चार्ट में आप बिल्कुल ये जो है ना, ये दिखा देता है कि ये बिटवीन का सेल दिखाता है कि इतने से इतने तक का, इतने से इतने तक का क्या सेल होगा, वो हिस्टोग्राम चार्ट दिखाता है। एस्केटर चार्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, आपको अगर घनत्व देखना है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा घनत्व है, उस केस में इसका यूज करते हैं, या स्मूथ लाइन चार्ट में आपको स्मूथ लाइन चार्ट चाहिए, इसका इस्तेमाल करते हैं स्केटर चार्ट। ओके सर, बबल चार्ट आपको उसी तरह से स्केटर और बबल दोनों देता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। देन वाटरफॉल चार्ट का यूज होता है कि हम मंथली हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये क्या क्यूमुलेटिव चार्ट जो होता है, और जब आप इसको वाटरफॉल चार्ट को क्यूमुलेटिव चार्ट भी कहते हैं, वो एक सेल दूसरे सेल को क्यूमुलेट होके ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। फ्यूनल चार्ट शॉर्ट कर देता है हाईएस्ट लोएस्ट को, एंड स्टॉक चार्ट स्टॉक डेटा पे वर्क करता है। सरफेस चार्ट भी सेम उसी तरह से, लेकिन इसका यूज हमने कभी किया नहीं, बट हाँ सरफेस चार्ट यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है आपका रेडार चार्ट, ज्यादा हो तो हम नियरेस्ट देखने के लिए रेडार चार्ट यूज करते हैं। देन कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट होता है कि मुझे दो चीजों का कंपेयर कर, लेकिन दोनों को हम एक एक सेम चार्ट से कंपेयर नहीं करना चाहते, हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से कंपेयर, जैसे लाइन एंड कॉलम, टारगेट और सेल्स हो, टारगेट चाहते हैं कि कॉलन में आए और सेल्स जो है आपका लाइन में आए, ताकि पता चले कि किसको टच किया, कौन किसको टच किया, ठीक है। हाँ सर, पूरे डेटेड को अगर हम चैलेंज किए हैं तो कि उसके लिए फिर आपको लिस्ट बॉक्स कॉमो बॉक्स जैसे चीजें लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली चार्ट लगता है समरी पे, क्योंकि अभी चार्ट को देख लीजिए, अगर मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, डेटा मान लीजिए 2000, 2000 छोड़िए 150 ही होगा, तो सारे लाइन जितने छोटे हो जाए, यहाँ पे 100 लाइन देखना कितना मुश्किल हो जाए, तो चार्ट हमारा समरी पे लगता है। लेकिन आपके पास डेटा ज्यादा हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन, आगे बताऊंगा मैं आपको कि ड्रॉप डाउन वगैरह हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि वन टाइम में हम एक या दो चार्ट ही देखते हैं, एक दो फैक्टर ही देखते हैं, लेकिन हम सारे डेटा पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग बैठ के जो जितने भी चार्ट्स हैं सब चार्ट पे थोड़ी सी आरएनडी करें, कल हम बात करेंगे चार्ट्स और चार्ट्स के अंदर ट्रिक्स के बारे में। आज मैंने आपको चार्ट्स का ओवरव्यू दिया है,